हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्लो एंड ग्रो विद चीज। कोकोनट ऑयल जो है वो सेंचुरीज से यूज होता आ रहा है, चाहे वो स्किन के लिए हो, बालों के लिए हो, टीथ के लिए हो, इवन हेल्थ के लिए और मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए। इसके एक्सेलेंट बेनिफिट्स होते हैं। इट इज एनरिच्ड विद विटामिन ई, इट इम्प्रूव्स द इलास्टिसिटी ऑफ योर स्किन, विच मीन्स उसकी वजह से लाइन्स और रिंकल्स जो हैं आपके फेस के ऊपर कम पड़ते हैं। आज जो है हम बात करेंगे 5 डिफरेंट ब्यूटी मास्क बनाने की, ऑल मेड आउट ऑफ ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट मेकिंग दोस। कोकोनट ब्यूटी मास्क फॉर एक्ने प्रोन स्किन बनाने के लिए आप लेंगे 3 टेबलस्पून ओटमील। इसमें थोड़ा सा आप वार्म वाटर ऐड करें, इतना कि इसका एक थिक सा पेस्ट बन जाए। इसमें अब ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब आपका ये मास्क रेडी हो जाए तो आपने फेस के ऊपर इस तरह से लगाना है कि बिल्कुल आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए, और फिंगर्स से आप ये मास्क लगाएंगे। इसको स्किन पे आप लगाएंगे बहुत जेंटली, सर्कुलर मोशंस के अंदर। इसको हल्के हल्के एक्सफोलिएट करना है 15 मिनट्स तक। ये आप मास्क जो है फेस पे लगा के रखेंगे और इसके बाद इसको वॉश करते हैं। ये मास्क जो है इसकी क्वांटिटी इतनी होती है कि आप आराम से इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन आप ग्लास कंटेनर के अंदर अच्छे से एयर टाइट करके और फ्रिज में रखिएगा। ब्यूटी मास्क फॉर ऑयली स्किन बनाने के लिए आप लेंगे 1 टेबलस्पून योगर्ट। इसमें आप ऐड करेंगे अबाउट 1/2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, और इसके साथ ही लेंगे 1/2 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अप्लाई दिस मास्क ऑन अ क्लीन स्किन और 15 मिनट्स लगा के आपने ये मास्क छोड़ना है। उसके बाद आप इसको वार्म वाटर से रिंस आउट कर लें। कोकोनट ब्यूटी मास्क फॉर रेडियंट स्किन बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन टी लीव्स, और इसमें लिया जाएगा 1 टेबलस्पून ऑफ हनी। और 1/2 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये मास्क जो है ये स्किन को बड़ा स्मूथ करता है, डिटॉक्सिफाई करता है हनी की वजह से, और स्किन जो है ना बड़ी अच्छी रेडिएंट आपकी ग्लो करती है स्किन। Once mixed, apply this on your face and leave it for 5 to 10 minutes. उसके बाद आप इसको warm water से rinse कर लें and pat it dry and follow with your regular skin care. Coconut beauty mask to lighten skin बनाने के लिए मैंने लिया है 1 tablespoon of coconut oil, और इसके अंदर मैंने बस 1 pinch use किया है हल्दी, बिल्कुल थोड़ी सी आपने डालनी है। इसको आप मिक्स कीजिए। ये मास्क जो है इट्स वेरी सिंपल, खाली कोकोनट ऑयल के अंदर आपने थोड़ी सी हल्दी डाली है। ये जो है स्किन की डिसकलरेशन को इसको ठीक करता है, इट इवन्स आउट द स्किन टोन, और ये बड़ा अच्छा हाइड्रेटर भी है। ये मास्क अगेन आपने अपने फेस पे लगाना है ऑन क्लीन स्किन, और इसको आप लगा के छोड़ देंगे 15 मिनट्स के लिए। उसके बाद वॉश इट विद द वार्म वाटर एंड फॉलो विद योर रेगुलर स्किन केयर। कोकोनट ऑयल ब्यूटी मास्क फॉर ब्लैक हेड्स रिमूवल के लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। देन मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिक्स कर लें।
ये जो मास्क है इट्स अ वेरी गुड क्लेंजर, ये आपके पोर्स को में से सारी डर्ट वगैरह रिमूव करता है और जो भी डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको भी रिमूव करता है। ये मास्क अब रेडी हो गया है, इसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर लें और लगा के आप 10 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दें। जब आप स्किन के ऊपर ये लगाएंगे तो मेक श्योर के सर्कुलर मोशन के अंदर स्किन के ऊपर लगाएं ताकि ये अच्छे से आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 10 मिनट्स के बाद आप फेस वॉश कर लीजिएगा एंड फॉलो विद योर रेगुलर स्किन केयर रूटीन। आई एम श्योर आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और वो छोटी जो बेल होती है साइड पे वो जरूर हिट कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों को इंस्टेंटली पता चल जाए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज कमिंग अप एंड टिल देन ग्लो एंड ग्रो विद शीज़।